हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में वेपर कंप्रेशन सिस्टम के पार्ट्स, उनके फंक्शन और कैसे रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है सिस्टम में वो देखेंगे। इतनी मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इस वीडियो को देख के आप वेपर कंप्रेशन सिस्टम के फंक्शन और रेफ्रिजरेंट कैसे फ्लो करता है वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में पहला फंक्शन है वो है कंप्रेशन का। कंप्रेशन में कंप्रेसर का यूज किया जाता है। इसमें एक पिस्टन लगा होता है। जब ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट वेपर सक्शन लाइन से होके कंप्रेसर में एंटर करते हैं। जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है तो इन रेफ्रिजरेंट वेपर्स को कंप्रेस करता है और कंप्रेस करके इनको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद ये रेफ्रिजरेंट वेपर डिस्चार्ज लाइन से होके जाते हैं कंडेंसर में। यहाँ पे आता है कंडेंसेशन फंक्शन। इसमें कंडेंसर का यूज किया जाता है। यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर को कंडेंस किया जाता है, मीन इनकी हीट को रिमूव किया जाता है एयर या फिर वाटर की मदद से। हीट रिमूव करने से इसका टेम्परेचर कम हो जाता है और ये वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर का हो जाता है और लिक्विड लाइन से होते हुए जाता है ड्रायर में। ड्रायर का फंक्शन है इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर को रिमूव करना और इसको फिल्टर करना। ये है ड्रायर का फंक्शन। इसके बाद ये ड्रायर से होते हुए जाता है एक्सपेंशन डिवाइस में। एक्सपेंशन डिवाइस में कैपलरी और ऑटोमेटिक एक्सपेंसिव वाल्व का यूज किया जाता है। कैपलरी का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में। ऑटोमेटिक एक्सपेंसिव वाल्व का यूज किया जाता है सेंट्रल एयर कंडीशनर प्लांट में। एक्सपेंशन वाल्व लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है और इसके प्रेशर को कम करता है। एक्सपेंशन वाल्व में लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक ब्रीक नली से गुजरता है और इस ब्रीक नली से गुजरने के कारण इसका प्रेशर कम हो जाता है। इसके बाद ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करता है एवेपोरेटर में। जब ये एवेपोरेटर में एंटर करता है तो यहां पे इसको ज्यादा स्पेस मिलती है और ये इस स्पेस की हीट को अब्सॉर्ब करता है। हीट को अब्सॉर्ब करके ये बॉइल होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे वेपोराइजेशन होने से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसके बाद ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के वेपर सक्शन लाइन से होके कंप्रेसर में एंटर करते हैं और ऐसे ये साइकिल रिपीट होता रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।